तो अभी टपल्स राइट, डोंट से ट्यूपल से टपल या टपल्स राइट। एक और डेटा टाइप जो पाइथन के अंदर है राइट। व्हाट इज इट? इट इज आल्सो अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग लाइक लिस्ट। टपल इज आल्सो सेम, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द लिस्ट आर म्यूटेबल्स, टपल्स आर इम्यूटेबल। जस्ट लाइक स्ट्रिंग, दिस इज आल्सो इम्यूटेबल। यू कैन नॉट डायरेक्टली डायरेक्टली चेंज द एलिमेंट ऑफ इट्स प्लेस राइट। इसको भी हम देखेंगे इसमें वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे टपल के ऑपरेशंस हैं, जॉइनिंग स्लाइसिंग और इसके कौन से फंक्शंस हैं। अभी हम इसका देख लेते हैं किस तरह से इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो एम्प्टी टपल लाइक दिस, राउंड ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, कुछ नहीं आया। ऐसे ही राउंड ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वी कैन सी दैट। हमने स्क्वायर ब्रैकेट देखे थे राइट, इसमें हम देख रहे हैं जनरली हम लोग राउंड राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन राइट। इफ आई कैन से लाइक दिस हेलो राइट, वी आर लर्निंग टपल्स लाइक दिस। मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स में भी हो सकता है राइट। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 देन वी कैन से ए बी राइट, लाइक सी लाइक डी एंड सो ऑन राइट। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइक दिस। ये नेस्टेड टपल राइट। इसको स्टोर कैसे करेंगे? सिंपली जैसे लिस्ट का था वैसे ही ये है, ठीक है। इसके क्रिएट करने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं राइट। मैं T1 टपल 1 इज इक्वल टू एम टी लाइक दिस। सो व्हेन यू प्रिंट T1 यू से दिस इज एम टी टपल राइट। एंड सेम थिंग इफ आई राइट द वैल्यू T1 इज इक्वल टू नाउ सम वैल्यूज, सम वैल्यूज लाइक इफ इफ आई गेट 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। सो आई कैन प्रिंट T1, आई कैन प्रिंट T1 यूजिंग स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ 0 1, आई एम एक्सेसिंग इट राइट। आई कैन सी सिंपली T1 ऑफ -1, यू कैन सी इट्स 6 राइट। आई कैन प्रिंट लाइक स्लाइसिस T1 1 कॉलन लाइक दिस, तो 1 से प्रिंट हुआ राइट, इंडेक्स नंबर 1 से राइट। तो जो स्लाइसिंग था जैसे लिस्ट में था वही। अब देखो इसमें अगर मैं लिखूँ T1 ऑफ 0, लेट मी राइट 1, सो इट विल गिव एन एरर राइट। क्यों? बिकॉज टपल जो है ये डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता, जैसे लिस्ट कर सकता है वैसे टपल इसको रे क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ठीक है ना, समझ में आया। तो याद रखना जब भी हम वैल्यू राउंड ब्रैकेट पर लगा रहे हैं वो टपल है, लिस्ट नहीं है। और लिस्ट को हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन टपल को नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ है लेट अस सी। कि एक्सेस करना तो मैंने आपको बताया जैसे लिस्ट है इस तरह से ही कर पा रहे हैं। अब इसकी लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ T1 सेम थिंग, कैन सी देर आर 6 वैल्यूज, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडेक्सिंग भी दिखा दिया, स्लाइसिंग भी दिखा दिया, अब मेंबरशिप ऑपरेटर भी यहाँ काम करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ 1 in T1 तो आंसर क्या आया? फॉल्स। और मैं लिखूँ 1 in T1 यू सी इट इज़ ट्रू। तो ये सर्च जैसा इन और नॉट इन, जैसे 1 not in T1 ऐसा भी काम करेगा, ठीक है ना, इन नॉट इन ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे समझो कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर करना हो काम, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो कॉन्केटिनेशन जिस तरह से कर रहा था काम यहाँ पे वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखो T2 इज इक्वल टू 10, 20, 30 राइट, T1 plus T2 यू सी आई हैव सीन टू टपल्स टुगेदर, सेम लिस्ट की जैसा ही है लेकिन थोड़ा अंतर है। देखो T1 plus 2 क्या होगा? ये एरर देगा। क्यों? टप्पल के साथ सिर्फ टप्पल ऐड किया जा सकता है, यानी इसको हम कंबाइन कर सकते हैं राइट, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं टप्पल के साथ, इंटीजर नहीं, इंटीजर नहीं। अब देखो T2 into 3 लो, जो आपने पूछा रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज़ रेप्लिकेशन, हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। टप्पल की वैल्यूज को हम मॉडिफाई या एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं राइट।
इसके लिए हम इसको लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे लूप लेना है तो मैं लूप की एक छोटा सा लॉजिक देते हैं। जैसे अगर लिख दिया टी वन इज इक्वल टू, जैसे मैं बोला हे वी आर लर्निंग पाइथन टपल, राइट, टी वन। सो लेंथ ऑफ टी वन क्या है, सॉरी टी वन देखो आ गया 6। तो हम इसको लूप में डाल सकते हैं। इफ आई से फॉर आइटम इन टी वन कॉलन, ठीक है, आई कैन सिंपली प्रिंट आइटम, देखो क्या आया, सेपरेशन आ गया, वी आर लर्निंग पाइथन टेबल। आइटम मतलब एक कोई भी वेरिएबल हुआ, हर एक का इसने वैल्यू कर दिया, इंडेक्सिंग से इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। ये 0 इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये हमने काउंटर लूप यूज़ किया ना, तो ऑटोमेटिकली काउंट करता जाएगा जितना यूज हुआ उतना उस हिसाब से उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आई के नॉट मॉडिफाई, आई के नॉट चेंज इट एनी वे, राइट। अब हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अब टपल जॉइनिंग देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ करके दिखाया, राइट। तो ये टपल वन टी वन प्लस टी टू बता दिया, अब देखें जॉइनिंग का हो गया। अब स्लाइसिंग भी बता दिया मैंने, जैसे टी वन प्लस टी टू बताए जॉइन के, तो मैं टी थ्री इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू किया, तो टी थ्री क्या है, दोनों को मिक्स, टी वन क्या है ये है, टी टू क्या है ये अलग अलग है, ठीक है ना। टप्पल के साथ टप्पल जोड़ सकते हो खाली, ओके। स्लाइस करना हो तो स्लाइस भी मैंने बताया, टी थ्री राइट, थ्री कॉलन स्लाइस, यानी इंडेक्स नंबर 3 से लेके एंड तक आएगा, बिल्कुल नहीं। स्लाइस करके हम लिस्ट को उसको हम टप्पल को हम वो भी अनपैक भी कर सकते हैं, अनपैक करना समझाता हूँ सिखाता हूँ। स्लाइसिंग समझ में आया, जैसे लिस्ट का कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें दो टप्पल कंपेयर करने हो तो कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एक टप्पल ले रहा हूँ टी वन स्मॉल में 1, 2, 3, टी टू इज इक्वल टू इफ आई दैट सेम 1, 2, 3, ठीक है 1, 2, 3 सेम लेते हैं, एंड टी टी थ्री इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। सो इफ आई राइट टी वन इक्वल्स टू इक्वल टू टी टू, ये क्या हुआ, राइट, बिकॉज बोथ आर सेम। सी टी वन का आई डी देखो एंड टी टू का आई डी देखो, देखो राइट, इनका एड्रेस अलग अलग है लेकिन वैल्यूज़ की वजह से ये वैल्यू कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो टी वन इज टी टू, देखो फॉल्स, इज का मतलब क्या हुआ, आई डी को चेक करता है, राइट, ये वैल्यू के हिसाब से ओके है, आई डी के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब टी वन इक्वल्स इक्वल्स टू टी थ्री, सी डिफरेंस बोथ आर डिफरेंट, टी वन ये है, टी टू ये है, टी थ्री ये, इसलिए वहाँ पे फॉल्स आया, ठीक है ना। इस तरह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करने के बाद में हम चेक कर सकते हैं कि टी वन इज़ ग्रेटर देन टी थ्री है क्या, नो, टी थ्री इज़ ग्रेटर देन टी टू है क्या, हाँ, ग्रेटर देन लेस देन भी कंपेयर हो सकता है, ठीक है ना। नाउ अनपैक कैसे करेंगे, जैसे टी वन में कुछ वैल्यूज है 1, 2, 3, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिंपली राइट ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू टी वन। तो ए में देखो क्या आया 1, बी में देखो क्या आया 2 और सी में देखो क्या आया 3, तो ये अनपैक हो गया। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ टी फोर इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 4, 5, 6, नाउ सी टी फोर। इस तरह से वेरिएबल से भी मैं उसको मिक्स कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ, इस तरह से भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। टी फाइव इज इक्वल टू इफ आई राइट हियर टी वन कॉमा, ध्यान से देखना राइट, देन ब्रैकेट लगा रहा हूँ राइट, 10, 20, 30, नाउ आई शो यू व्हाट हैपन। अब टी फाइव देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, एक तरह से दो आ गए, देखो टी वन और टी टू दोनों में सेपरेशन आ गया। सो इफ आई से टी फाइव ऑफ जीरो क्या आएगा, सी दिस थिंग, एंड टी फाइव ऑफ वन, ठीक है ना। इस तरह से हम चीज़ों को नेस्टिंग भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ऑफ जनरली टप्पल, नेस्टिंग टप्पल भी कह सकते हैं। और रिमूव और डिलीट, अगेन अगर मुझे डिलीट करना है राइट, तो लेट मी शो यू, जैसे कि कोई फंक्शन है या हम लेंथ का मैंने फंक्शन बताया, ठीक है ना। तो मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मैक्सिमम फ्रॉम टी फाइव, मैक्सिमम फंक्शन, तो 10, 20, 30,
If I say maximum from t5 of 1, t5 of 1, so what will be there? 30, right? इस तरह से आता है, तो मैक्सिमम फंक्शन भी काम करता है, बिल्ट इन अवेलेबल है, ठीक है, हम इसको चेक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। देखो जैसे मैक्स हो गया, ऐसे ही मिनिमम भी होता है, वी कैन फाइंड द वैल्यू फ्रॉम मिनिमम ऑफ t5, देखोगे तो 1, 2, 3, राइट, t5 में 2 है ना। अब इसको हम अलग से करें कि मिनिमम फ्रॉम राइट t5 ऑफ 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1, राइट। इस तरह से मिनिमम फंक्शन काम करता है, मैक्सिमम फंक्शन काम करता है, जैसे दिखा दिया। अब डिलीटिंग के लिए भी देख लेते हैं किस तरह से मैं डिलीट करूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे देखो कि मुझे डिलीट करना है, अब मैं लिखूँ t5 का 1 पार्ट, 1 यानी इंडेक्स नंबर 1, तो इसी दिव तुम देखो 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 ये एरर देगा, वही बता रहा हूँ, एरर देगा, राइट। इस तरह से हम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं करूँ डिलीट t5, देखो ये हो गया t5 डिलीट। स्पेसिफिकली अगर मैं उसको अभी देखो तो सर t4 क्या था हमारा, अभी t5 डिलीट हो गया, फिर से कैसे लाऊंगा, नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब देखो t4 का, अब मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ t4 के अंदर से मुझे डिलीट करना है कोई, तो t4.pop करके देखो क्या होता है। इफ आई लाइक पॉप, ये बोलेगा एरर, ठीक है ना, राइट। नहीं t4 है ना बेटा, t4 वैल्यू तो है ना, ऐसा कोई फंक्शन, मैं वही तो बोला, ऐसे फंक्शन पॉप में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू आती है ना हमेशा, पॉप में हमेशा टॉप वाली वैल्यू डिलीट होती है ना, ठीक है। अब डिलीट का हमने दिखा दिया कि डिलीट कर दिया सीधा सीधा कि वो डिलीट हो गया, पूरा का पूरा टपल डिलीट हो गया। अब मुझे स्पेसिफिकली डिलीट करना हो तो क्या है, देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ स्पेसिफिकली तो नहीं है। अब देखो इंडेक्स दिखाता हूँ, एक फंक्शन करके इंडेक्स होता है, ठीक है, ध्यान से देखो, t4.index(4), ये क्या आया, इंडेक्स ऑफ 4 मतलब 0, 1, 2, 3, ऐसे कि इंडेक्स ऑफ नंबर 4 कौन सा है, इंडेक्स ऑफ वैल्यू में इसकी इंडेक्स नंबर आया कि ये इस नंबर, इस इंडेक्स नंबर पे है। अच्छा मेरे को यहाँ पे वो काउंट वाला भी करना हो, t4.count7 इन दिस पर्टिकुलर, तो बोलेगा 0, 7 तो है ही नहीं t4 में, काउंट फंक्शन है, काउंट करो 1 नंबर, तो बोलेगा एक बार है ना, जैसे उसमें था, राइट। इस तरह से हमने यहाँ पे टपल के अलग अलग मेथड भी देखे, राइट। तो अब मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें टपल के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, राइट। टपल की प्रैक्टिस के लिए तुम ये सब चीज़ें कर सकती हो, मैक्सिमम जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में एरर की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, कोई ब्लैंक टपल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जब t6 अगर t6 इज इक्वल टू 7 लिखा, ध्यान से देखो तो क्या होगा ना, ये एरर देखो, t6 में खाली वैल्यू एक है 7, ठीक है। अगर मैंने t7 = 7 लिखा तो देखो t7 ये वेरिएबल हुआ ना बेटा। अब दोनों का टाइप देखो, ध्यान से देखो, टाइप ऑफ t6 एंड टाइप ऑफ t7, तो देखो एरर नहीं देता है वो, लॉजिकली दोनों इंटीजर हुए, तो t7 = टप्पल करना है मुझे 7, तो कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाएंगे तो देखो टाइप ऑफ t7 क्या है, हो गया टप्पल, ठीक है। तो टप्पल जब आप सिंगल डिक्लेयर करना चाहते हो तो कॉमा लगाना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूँ t8 = 10, कॉमा देखो अभी लिखो टाइप ऑफ t8, देखो ऐसे भी चलेगा, बिना ब्रैकेट के लगाओगे तो भी चलता, राइट। इस तरह से भी कर सकते हो, दिस इज हाउ जनरली यू डिक्लेयर द टप्पल्स, ठीक है। अलग 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 तरीके से मैंने तुम्हें सारे टपल्स के बारे में एग्जाम्पल बताया, इसकी प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो फिर पूछना, राइट।